Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास breast augmentation से related काफ़ी queries आती हैं, और अभी भी recently किसी ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा घरेलू तेल है जिसके प्रभाव से जो ब्रेस्ट या स्तन है उनका आकार को बड़ा किया जा सकता है. एक बच्ची भी है जो हमारे कई वीडियोस में जब भी हम ब्रेस्ट के ऑगमेंटेशन की बात करते हैं तो वो भी लिखती है कि एक बाबा जी हैं जो जिनकी जड़ी बूटी से उसको फ़ायदा हुआ है और उसके स्तन बड़े हो गए हैं. अब मुझे पता नहीं कि वो बच्ची बाबा जी की मार्केटिंग कर रही है या क्या कर रही है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट इशू. तो देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा कि इससे संभव है कि घरेलू चीज़ों से. तो देखिए, ऐसा है, ब्रेस्ट जो होता है इसमें दो चीज़ें होती है, इसमें ग्लैंड होती है और फैट होती है. इसमें मसल तो होते ही नहीं है कि आप एक्सरसाइज करके उसको बढ़ा सकते हैं. तो इसलिए कोई भी आप तेल लगा लें, कुछ भी कर लें, तो उसमें आप उसका आकार को नहीं बढ़ा सकते हैं, ब्रेस्ट के आकार को नहीं बढ़ा सकते हैं. कुछ भी चीज़ें हैं, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मसल बढ़ेगा. मसल मतलब ब्रेस्ट जिस मसल पर टिकी है वो बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन ब्रेस्ट में चूंकि मसल नहीं है इसलिए आपकी किसी भी एक्सरसाइज या तेल से उनके बढ़ने की संभावना नहीं है. अब प्रश्न ये है कि भाई कोई बच्ची है, कोई क्लेम कर रहा है, कोई आयुर्वेदिक वाला क्लेम कर रहा है कि भाई हम जो है इससे हमारा तेल लगाने से आपके स्तन का साइज बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा. तो देखिए, ठीक है, अगर आपको सपोज आपकी ब्रेस्ट का साइज छोटा और आपको लगता है कि बढ़वाना चाहिए, तो मैं तो खुद आपसे को इनक्रेज करूंगा कि आप पहले घरेलू उपचार करा लीजिए. आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लीजिए, होम्योपैथिक ले लीजिए, नेचुरोपैथी ले लीजिए, या कोई बाबा जी और जो जड़ी बूटी बनाते हैं आप लीजिए, ज़रूर लीजिए, क्यों नहीं लेंगे. और अगर आपको फ़ायदा होता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस तो देखिए ऐसा नहीं मानती है, लेकिन अगर आपको फ़ायदा होता है तो वेल एंड गुड, हमें भी खुशी होगी कि आपके चार पैसे बच गए. जब ये सारी चीज़ें आप करा लें उसके बाद अगर आपको लगे कि भाई मुझे किस तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब आप अपने शहर के कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें, क्योंकि तब आपको भी कन्विंस हो जाएंगे आप कि हाँ ये चीज़ें फ़ायदा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या आपको सूट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. उसके बाद आप उसको 3 महीने ट्राई कीजिए, 6 महीने ट्राई कीजिए, मैक्सिमम साल तक ट्राई कीजिए. अगर फ़ायदा हो गया वेल एंड गुड, फ़ायदा नहीं हो तो आप अपने शहर के कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें, वो आपको फिर बताएंगे कि ब्रेस्ट का साइज़ किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसमें इम्प्लांट डालना है या इंजेक्शन फैट डालना है, और वो उसमें आपस में आपसे डिस्कस करेंगे और फिर आपको एक अच्छी ब्रेस्ट का साइज देने की कोशिश करेंगे. तो जो ओरिजिनल प्रश्न था, हमारे हिसाब से, एलोपैथिक हिसाब से, तेल की मालिश करने से ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ता है, ये मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा. लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ एनकरेज करूँगा, प्रोत्साहित करूँगा कि आप घरेलू उपचार कराएँ, अगर आपको फ़ायदा होता है तो फाइन. क्योंकि ये सब ट्राई करने के बाद जब आप सर्जरी के लिए जाएंगे, कॉस्मेटिक सर्जन के पास, तब आपके मन में भी एक निश्चिंतता रहेगी कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है और अब आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है. तो आपके मन में कहीं ये नहीं रहेगा कि काश मैंने वो भी ट्राई कर लिया होता, मेरे इतने पैसे बच जाते, ये खर्चा ना होता. तो इसलिए तेल से आपके ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ने वाला, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए. अगर आपके घर में कोई बताता है, कोई नानी माँ के नुस्खे हैं, कुछ हैं, आप उसको ट्राई कीजिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, कि यू डोंट लूज़ एनीथिंग बाय दैट. तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो कन्वे कर पाया हूँ पूरी तरह से. लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आपका स्वागत है. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप हमें संपर्क करें, हमें हमेशा बड़ी खुशी होती है आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.